सुंड चले हुए ना, देखें दो गां बीमार हो गया, बीमारा ना पाके जहरी बना दे। अभी अभी कल की ही बात है, एक बंदा हमें ये डब्बा पड़ा कर गया और उसने बोला कि आप इसे गायों को डाल देना और मेरे पास समय नहीं है। ठीक है जी, अभी मान लीजिए इसको 10 घंटे ही हुए हैं, तो ये चीज आज हमने जब डाल ली शाम को आकर, तो अभी डाली नहीं थी, अभी इसके डब्बे को खोला था तो इसमें जो निकला आप देख लीजिए। अभी एक पीस ही दिखाया मैं आपको निकाल कर, ये डब रोटी है। ठीक है जी, आप देख लीजिए ये चीज आजकल लोग डालने लग गए हैं इन बेजुबानों को, और इसमें इतनी गंदगी लगी, इसमें हरियाली जैसे पानी खड़ा हो, नालियों में लग जाती है, जंग लग जाती है, और वैसी इस डब रोटी में लगी हुई है। और इनको नहीं मालूम कि ये खाना है या नहीं खाना, आप देख भी सकते हैं इस समय कि ये दोनों इसको खाने के लिए मांग रहे हैं। तो इसके ये चीज़ें डालने के बावजूद लोग फिर गायशालों को दोष देते हैं कि आप के यहाँ पर गायों मर रही हैं, आपके यहाँ पर गायें बहुत ज़्यादा बीमार हो रही हैं। तो आप खुद सोचिए, ये चीज़ें डालने के बाद ये बीमार होंगी या स्वस्थ होंगी। और मेरा सोचना तो ये है कि इस इन चीज़ों से पेट भरना अच्छा, तो इन सभी को भूखे ही रहने दीजिए। कम से कम अगर ये भूखे रहकर 10 दिन बाद मरेंगे, और इस चीज़ से तो ये 10 घंटे भी मुश्किल से बिता पाएंगे। और वो देखिए आप बंदे ने किस क्वांटिटी में हमें ये चीज़ दे के गया है, देख लीजिए आप। तो मेरा न जाने कितने दिनों से उसने संभाल रखे थे, और इतने कलडे हो रखे हैं कई तो पत्थर के समान, आप इसके देख लीजिए। तो मेरा कहना तो ये है, अगर आप इनको सच में खिलाना चाहते हो तो पहली बात तो ये है कि आप इनको जो भी चीज़ आपने निकाली है वो जल से डाल कर जाओ, और दूसरी बात ये है कि इसको कचरे में ही फेंको, क्योंकि इनकी जगह कचरे में है, ना कि किसी जीव जंतु के पेट में है। और दूसरी बात यह है कि कई लोग क्या होता है कि गायशाला की जो भी रेड़ी आती है उनके दरवाजे में, जब कोई भी भूखा आदमी आता है तो उनको ऐसी बासी चीज़ें वो ज़्यादातर देती हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हमारा बस यही मैसेज है।